अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शिफा मेकओवर से रुबीना खान। आज हम आपको इस वीडियो में मशरूम हेयर कट दिखाने वाले हैं। आई होप सो यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हमें हेयर को कोन कर लेना है, उसके बाद हमें सेंटर में से कट करना है एज ए गाइडलाइन। तो सेंटर में से हमें कहाँ कट करना है, ईयर से, जहाँ से ईयर शुरू होता है उसके बिल्कुल थोड़ा नीचे से मैंने यहाँ पे कट किया है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो उस गाइडलाइन को लेते हुए बस मैं वैसे ही एक सर्कल बना लूँगी बैक साइड से फ्रंट साइड तक, आप देख सकते हो फ्रेंड। और हमें हेयर को बिल्कुल भी पूरा कट नहीं करना है, जैसे कि हम थोड़े हेयर को हाथ में लेकर कट करते हैं बस उसी तरीके से कैंची को घुमाते जाना है, आप देख सकते हो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताया है, जो बिगिनर्स है वो बिल्कुल इस तरीके से और बहुत ही आसानी से मशरूम हेयर कट कर सकते हैं। ये इसमें बेबी के हेयर थोड़े शॉर्ट थे तो ये मैंने ज़्यादा लॉन्ग हेयर इसमें नहीं रखे है मशरूम हेयर कट में, बस ईयर के थोड़ा नीचे तक ही मैंने लेकर आया है ये इस कट को। तो आप देख सकते हो बस इसी तरीके से हमें कट करना है इसको। इसके सर में बिल्कुल भी बहुत कम हेयर थे, उस पर ही उन्हें मशरूम कट करनी थी। मेरे जो क्लाइंट आए थे उन्हें उसी हेयर पे मशरूम कट करनी थी, तो मैंने इस तरीके से शॉर्ट हेयर पे मशरूम कट करके उन्हें दिया था, देख सकते हो आप फ्रेंड। बस इसी तरीके से हमें थोड़े थोड़े हेयर लेके ऐसे ही कट करते जाना है। और बराबर फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए हमें इसमें फिनिशिंग देनी है। फ्रेंड आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमें इस हेयर में ईयर की तरफ जब कट करते हैं तो ईयर को थोड़ा सा आपने कानों को थोड़ा सा झुका के कट करना चाहिए, ताकि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ना ही हमारे क्लाइंट को कोई नुकसान हो। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें ईयर की तरफ की कटिंग करनी है। और बीच बीच में हेयर को स्प्रे से गीला करते हुए हमें कटिंग करनी है। हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया है, अब हम फ्रंट साइड पे भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे वही शेप को मिलाते हुए। ये थोड़ी शॉर्ट मशरूम कट है, इससे कान के नीचे तक भी मशरूम कट आती है जो बड़े बालों में की जाती है, बट इनके बाल, ये बेबी के बाल थोड़े छोटे थे तो मैंने उसमें ही ये हेयर कट को अंजाम दिया है मशरूम हेयर कट को। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा कट बन रहा है ये। तो हमें कॉम करते हुए जो जो हेयर बाहर निकलते जा रहे हैं उसे गाइडलाइन में मिलाते ले जाना है। बस इसी तरीके से हमें ये मशरूम कट को अंजाम देना है। और हमें पूरे फिनिशिंग के साथ ये हेयर कट करनी चाहिए जो मैं यहाँ पे मशरूम हेयर कट दिखा रही हूँ। मैं कॉम्ब करके जो अंदर रह गए जो हेयर है उसे बाहर निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, जिससे जिस तरीके से मैं यहाँ पर मशरूम हेयर कट आपको दिखा रही हूँ। और जो हेयर बच गए हैं जो हमें ऐसे ही कैची में हमारे नहीं आ पा रहे हैं, उसे हमें फिंगर में लेकर जो छोटे बड़े हेयर है उसे कट कर लेना है। और फ्रंट साइड से क्लियर शेप देना है हमें पूरे गाइडलाइन को मिलाते हुए। हमें हर एक बाल हाथों में लेकर चेक कर लेना है कि हमारी कटिंग बराबर फिनिशिंग से हुई है या नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। हर एक बाल अपने हाथों में लेकर मैं पूरी गाइडलाइन को चेक कर रही हूँ और कॉम से कर देख रही हूँ कि कुछ छोटे बड़े हेयर तो रह नहीं गए हैं। तो देखिए
यहाँ पर हमें अच्छे से फिनिशिंग से हेयर को कट करना है। और हमारा फ्रंट का हेयर कट हो चुका है तो हम अब बैक पर आ जाते हैं। जो नीचे के छोटे छोटे हेयर हमारे रह गए हैं उसे फिंगर में लेकर इस तरीके से कट करना है। कैंची को खड़ा रखते हुए हमें थोड़े थोड़े हेयर को ले जाते हुए कट कर लेना है। ऐसे ही हमें नीचे के जितने भी हेयर हैं हमारे जो जो छोटे छोटे हेयर हमारे रह गए हैं जिसे हमने कटिंग नहीं किया था उसे इस तरीके से कटिंग कर लेना है हाथों में लेकर। और या फिर हम कोम को भी कोम में फंसा कर भी उसे कट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कोम में फंसा कर उस हेयर को कट कर लेना है। हमें बारीक बारीक हेयर को कटिंग करना है यहाँ के जो हमारे हेयर रह गए हैं जिसे हमने हमने छोड़ दिया था उसे छोटे छोटे हेयर में कट करना है। तो हम कोम के हेल्प से भी इसे कर सकते हैं या फिर हाथों में लेकर भी जैसे मैंने पहले बताया है उस तरीके से भी इसे कट कर सकते हैं। और ये जितने छुटे हैं उतने पूरे इस तरीके से हमें कट करना है। उसके बाद हमें पूरा शेप दे देना है साइड से दोनों साइड से। देखिए इस तरीके से हमें शेप दे देना है। बाहर से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करके वीडियो पे फोकस कीजिए। अभी हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से शेप दे दिया है। ईयर की तरफ भी हम जो जो छोटे छोटे हेयर रह गए उसे भी अच्छे से वहाँ पे एक लाइन बनाकर उसे भी कट कर लेंगे। कोम करते जाना है और हमें चेक भी करना है कि हेयर अंदर से बाहर निकल तो नहीं रही है, तो ऐसे चेक कर करके हमें उसे भी कट करते जाना है। देखिए फ्रेंड हमने उसे अच्छे से शेप दे दिया है। और जो जो बारीक बारीक हेयर और बच गए हैं उसे हमें ट्रिमर की हेल्प से रिमूव कर लेना है। देखिए फ्रेंड ये ट्रिमर है, इसकी हेल्प से मैं जो हेयर रह गए हैं जो हमने कट किया है उसके बाद जो हमने शेप दिया है उसके साइड साइड में और साइड में जो हेयर रह गया है उसे हमें इस तरीके से निकाल लेना है। तो इससे और भी हमारी कटिंग का अच्छा सा लुक आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमारी कटिंग बहुत प्यारी सी बन के आई थी। ये मशरूम हेयर कट जो हमने छोटे हेयर में मशरूम हेयर कट को अंजाम दिया था वो बहुत प्यारा लग रहा था उसका लुक। आप देख सकते हो फ्रेंड ये आफ्टर फिनिशिंग बहुत अच्छा लग रहा था इसका लुक। ईयर की तरफ से भी हमने बारीक हेयर को रिमूव कर लिया है। सबका अपना अपना तरीका होता है मशरूम हेयर कट करने का, तो मैंने इस तरीके से अपनी मशरूम हेयर कट को अंजाम दिया है यहाँ पर। आई होप सो आपको पसंद आया हो। और उसके बाद कोम करके हमें चेक कर लेना है और के बाल और हमारे निकल तो नहीं रहे, हमारे शेप अच्छे से आया है कि नहीं इसका भी हमें चेक कर लेना है। और कैंची से कट कर लेना है जो छोटे मोटे हेयर बाहर निकल के आ रहे हैं उसे भी हमें कैंची से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके का शेप हमने यहाँ पे दिया है और जो बारीक हेयर हमें नज़र आ रहे हैं उसे मैं कट करते जा रही हूँ। देख सकते हो फ्रेंड ये है हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।